bum 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 chicky bum 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 chicky bum bum. नमस्कार बच्चों. नमस्कार दीदी. नमस्कार. कुछ किस्से कुछ कहानी के सभी श्रोताओं को भी मैं रश्मि शाही आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में एक बार फिर हाजिर हूँ और आपका स्वागत करती हूँ. हम फिर से लाए हैं एक नई कहानी, एक कविता और कुछ मजेदार सी रोचक जानकारियाँ. श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया जाता है रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के द्वारा. दरअसल रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट देश भर के बच्चों के लिए पढ़ने लिखने का काम करती है. साथ ही बच्चों को, स्कूलों को, पुस्तकालयों को छोटी छोटी कहानियों की किताबें भी उपलब्ध कराने का काम करती है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही मस्ती भरी दुनिया में. ये तो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे. अच्छा, ये बताओ कि आप सब में से पेड़ के पत्तों को किस किसने देखा है? मैंने. मैंने भी. हमने भी देखा है. वेरी गुड. ये बताओ, पत्ते होते कैसे हैं? दीदी, हरे रंग के होते हैं पत्ते. पीले भी होते हैं दीदी, जब सूख जाते हैं तब. कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं. हाँ दीदी, हमारे घर के पास एक पेड़ है, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं. बहुत बढ़िया. अब आप सभी ये बताओ कि मिट्टी कितने लोगों ने देखी है? हमने देखी है. मैंने भी देखी है. हमने भी देखी है दीदी. चलो, मिट्टी तो सबने देखी है, लेकिन मिट्टी का ढेला किस किसने देखा है? मैंने देखा है. वो क्या होता है दीदी? सुरेश, तुम बताओ कैसा होता है मिट्टी का ढेला? वो गोल होता है. और वो तो पता नहीं. कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ. दरअसल जब गीली मिट्टी सूख जाती है तो बहुत कड़ी हो जाती है और गोल गोल ढेले के रूप में दिखाई देती है. ये ढेला बिल्कुल पत्थर जैसा होता है, लेकिन जब उस पर पानी डाला जाता है तो वो वापस गलकर मिट्टी बन जाता है. ओ दीदी, ये तो समझ गए हम, लेकिन आज पत्ते और ढेले की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज की कहानी है एक ढेले और एक पत्ते की. ओ हाँ, कहानी का नाम है ढेला राम और पतई. इस कहानी को लिखा है योगेश कुमार पांडे ने और कहानी के सारे चित्र बनाए हैं जगदीश जोशी ने. कहानी में ढेले का नाम है ढेला राम और पत्ते का नाम है पतई बाई. तो शुरू करें कहानी. जी दीदी. तो भाई, एक थे ढेला राम और एक थी पतई बाई. गोल गोल ढेला राम अक्सर लुढ़कते रहते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. दूसरी ओर थी पतई बाई, एकदम दुबली पतली, जो पेड़ से टूटकर और सूखकर पीली पड़ गई थी. वो इतनी पतली थी कि जरा सी हवा चले या कोई फूंक भी मार दे तो उड़ जाती थी. सर सर. कैसे उड़ती थी? सर सर. हाँ, उड़कर कभी यहाँ पहुंच जाती और कभी वहां गिरी पड़ी होती थी. एक दिन ढेला राम आराम कर रहे थे कि तभी उन्हें एक ठोकर लगी. वो लुढ़कने लगे और दूर जा पड़े. जैसे ही रुके, उन्होंने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, हे भगवान, आज फिर लुढ़कना पड़ा. उधर थोड़ी दूर पर हवा चल रही थी और उसी हवा में पतई बाई भी डोल रही थी. उड़ते उड़ते पतई बाई इसी ओर आ गई और ढेला राम से टकरा गई. जैसे ही दोनों टकराए, आवाज आई, डुम चर्र डुम चर्र. हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ होगा बच्चों? ढेला राम और पतई बाई
आपस में टकरा गए। क्या आप इस तरह किसी से कभी टकराए हो? हाँ दीदी, एक बार मैं दौड़कर अपने दोस्त के घर जा रही थी, तब रास्ते में एक आदमी से टकरा गई, लेकिन मैं रुकी नहीं, भाग गई। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है इसके बाद क्या हुआ होगा? दोनों आपस में झगड़ा करने लग गए होंगे। और क्या हुआ होगा? दोनों आपस में बात करने लगे होंगे। और दोनों को चोट लगी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ। जी दीदी। तो ढेला राम और पतई बाई दोनों टकरा गए। जैसे ही पतई बाई ने नजर उठाई, ढेला राम को देखकर बोली, आप कौन है जी? ढेला राम ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मैं माटी का ढेला, नाम है ढेला राम, और आप? अब पतई बाई ने कहा, जी मैं पतई बाई, पेड़ की पत्ती, लेकिन अब अपने पेड़ की डाली से बिछड़ चुकी हूँ। अब ढेला राम ने मायूसी से कहा, मुझे तो कोई भी लुढ़का देता है, बरखा और पानी से मुझे बहुत डर लगता है। पतई बाई ने भी उसी मायूसी से कहा, हाँ भैया, मैं भी आप ही की तरह मजबूर हूँ, मैं भी इस हवा आंधी और तूफान से बहुत डरती हूँ, तुम तो देख ही रहे हो कि मैं बहुत ही पतली हूँ, बस इसी का फायदा उठाकर हवा मुझे उड़ाती फिरती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं। बता सकते हो दोनों क्या सोच रहे होंगे? बोलो बोलो। वो सोच रहे होंगे कि उनकी मदद कौन कर सकता है, वो कैसे अपनी समस्या से बच सकते हैं। वो सोच रहे होंगे कि क्यों ना एक दूसरे के दोस्त बन जाए, एक से भले दो। शाबाश। कुछ देर सोचने के बाद पतई बाई ने कहा, ढेला राम जी, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? कम से कम मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ तो रहेगा। ढेला राम को भी ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो पतई, मैं तुम्हें हवा से बचा लूंगा। अब पतई ने पूछा, वो कैसे ढेला राम जी? ढेला राम ने कहा, भाई जब जब हवा चलेगी मैं तुम्हें दबा लूंगा और उड़ने से बचा लूंगा, पर तुम्हें भी मुझे बरसात से बचाना होगा। पतई ने खुश होकर चहकते हुए कहा, हाँ हाँ ढेला राम जी, ये भी कोई कहने की बात है, बारिश के दौरान मैं तुम्हें ढक लूंगी और बारिश की बूंदों से बचा लूंगी। ये सुनकर क्या हुआ होगा बच्चों? ढेला राम बहुत खुश हुआ होगा, दोनों दोस्त बन गए होंगे। हाँ, तो दोनों दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन बहुत जोर से आंधी आई तो क्या हुआ होगा? पतई बाई डर गई होगी। वो क्यों? पतई बाई क्यों डर गई होगी? उसे डर लग रहा होगा कि कहीं आंधी उसे उड़ा ना ले जाए। हाँ, लेकिन पतई की इस चिंता को ढेला राम ने भांप लिया था और उसने झट से दौड़कर पतई बाई को दबा लिया। अब पतई बाई ने राहत की सांस ली और ढेला राम को थैंक यू बोला। धन्यवाद ढेला भाई, तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो उड़ी जाती। ये! कुछ ही देर में टप टप करके बारिश की बूंदे पड़ने लगी। फिर क्या हुआ होगा? अब पतई भाई ने ढेला राम को ढक लिया होगा ताकि वो भीग ना जाए। बहुत अच्छे, लेकिन वो लोग पूरी तरह से बच नहीं पा रहे थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। थक हार कर आंधी और पानी से थर थर कांपते हुए पतई ने ढेला राम से पूछा, अब क्या करें ढेला राम जी? ढेला राम पतई की मजबूरी समझ गए और उसे ढाढ़स बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं पतई बहन, चलो आज किसी तीसरे साथी की मदद लेते हैं। ये कहकर ढेला राम तेजी से लुढ़कने लगे। ढेला राम लुढ़कते हुए और पतई उड़ते हुए एक बरगद के पेड़ की जड़ में छुप गए, जहां से न तो आंधी पतई बाई को उड़ा सकती थी और न ही बारिश ढेला राम को गला सकती थी। आंधी और बारिश के रुकने तक दोनों पेड़ की जड़ की ओट में ही बैठे रहे और इस तरह
एक दूसरे की समझ बूझ से दोनों की जिंदगी पहले से ज्यादा खुशगवार और खुशहाल हो गई। ये! तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ, अगर ढेला राम और पतई एक दूसरे की मदद नहीं करते तो क्या होता? तो पतई बाई आंधी में उड़ जाती और ढेला राम पानी में गल जाते। सही कहा आपने। चलो भाई, अब वक्त है आज की कविता का, जिसका शीर्षक है म्याओ म्याओ, और इसे एनसीईआरटी की क्लास 2 की किताब से लिया गया है। जी दीदी। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर, एका एक बिलक कर रोई, रोई एका एक बिलक कर, एका एक बिलक कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुहिया चोटी, चुहिया काट गई चूटी भर, काट गई थी चुहिया चोटी, चुहिया काट गई चूटी भर, सचमुच बहुत डरी चुहिया से, चुहिया से सच बहुत डरी मैं, सचमुच बहुत डरी चुहिया से, चुहिया से सच बहुत डरी मैं, घड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, घड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी, चुहिया को भी जरा डराना, जरा डराना चुहिया को भी, चुहिया को भी जरा डराना, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चों कैसी लगी कविता? म्याऊं म्याऊं। बहुत अच्छी। और अब आज की पहेली। नाक है मेरी सबसे लंबी, नाक से करता सारे काम, बताओ क्या है मेरा नाम? ऐसा कौन हो सकता है जो नाक से सारे काम करता है? ऐसा कौन है? कौन सा जानवर है जो नाक से सारे काम करता है? मेरे को तो वो नहीं, मेरे को तो ये लगता है, हाथी। हाँ हाथी। बहुत समझदार हो गए हो तुम सब। अब बात टंग ट्विस्टर की। रेडी? जी दीदी। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ पर पका पपीता, पका पपीता, पका पेड़, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। कुछ किस्से कुछ कहानी के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, कुछ नए किस्से कुछ नई कहानियां लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।